क्या खासे तेरे बैकग्राउंड में? भाई होगा भाई, डॉली भाई। ए शर्मा एंड वर्मा कंपनी, अजय का बोर्ड बिजनेस का ओपनिंग है, फॉलो मी। ओके बॉस। डॉली भाई की डॉली आ गई, मतलब गाड़ी आ गई, चलो। ए कैसा रे अजय, ओपनिंग है, आई चीफ गेस्ट, व्हाई यू लेट? मैं लेट? ओके सर, बट नाउ रेडी, लेट्स गो, लेट्स गो। बिजू डू समथिंग वरना ओपनिंग के दिन क्लोजिंग हो जाएगी। आईडिया मुझे दो। अबे यार जल्दी कर, वो लोग आते ही होंगे। लेट्स गो, लेट्स गो, कम ऑन, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी करो भाई। आज इन लहरों पे आप ही का राज होगा और किसी का नहीं। बैठिए बैठिए। ओके मजा आ गया, पीछे खरीदा होती तो और मजा आ गया। ओके बचपन से लेके आज तक एक भी काम ढंग का किया है क्या? सारे कीबोर्ड्स डैमेज हो चुकी हैं। अरे कोई उल्लू का पट्टा हैंडल तक उखाड़ ले गया। अरे मैं कब तक चिपका रहूंगा? एक ड्रग डीलर तुम लोग का फाइनेंसर है, पाप की कमाई से बिजनेस करोगे? अभी सक्सेस नहीं मिलेगा। आई ओ क्या कर रहा है वरुण, जरा समझाओ ना इसको। लकी तुम लोग को झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे मालूम है, लड़ाई तुम लोगों ने शुरू की, तू क्या? हर इल्जाम हम पर, इसका मतलब ये हुआ ना कि हम ही गलत है। बचपन से यही देखा है। पापा अगर आज हमारी माँ होती, हमारी फीलिंग समझती, उन लोगों को सबक सिखाती। ए, पापा से उम्मीद रखना बेकार है, चलो सॉरी चल चल चल। अरे अरे रुकना, ये फैमिली मैटर है। देखो भाई तुम लोग की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते, वो किसी की भी औलाद हो छोड़ेगा नहीं अपन उनको। Hey, किधर है घर का मालिक? अरे मामू घर के बाहर आता है कि नहीं? तू आता है मैं आऊं? अबे बच्चे पैदा तो कर दिए लेकिन उन्हें ठीक से परवरिश नहीं दी। मेरे लड़कों के बिजनेस में उंगली नहीं करने का, काट के रख दूंगा। कौन है बे? काट डालूंगी। सत्या, मैंने तुम्हें जन्म दिया। आपने नहीं डैडी, मम्मी ने दिया। शट अप। मैंने तुम्हें पाला पोसा। फिर रॉन्ग डैडी, आया ने। शट अप। मेरा नाम सुब्बू है, घर का निकनेम डब्बू है। जोर से मत चिल्लाइए, बीपी बढ़ जाएगा। शट अप। खुश रहने की 7 टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। नोट कर लो, सांस लेने के लिए वायु, पीने को है पानी, स्वादिष्ट भोजन, पहनने को कपड़े, फिर आता है पैसा, फिर पैसा, फिर पैसा, फिर पैसा, फिर पैसा, फिर... सर, 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 आपने शुरुआत में 7 बोले थे, आगे जोड़ते चले जा रहे हैं। 8वां कैंसिल। एक सवाल पूछता हूँ, शहर का सबसे अमीर आदमी कौन है? अपन के सामने तो खड़ा सर। गुड। सबसे गरीब आदमी कौन है? अपन जो आपके सामने खड़ा है सर। वेरी 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 गुड। अच्छा ये बताओ, इस फटीचर गरीब और सुपर डुपर अमीर के बीच कितनी दूरी है? सर करीब 6 फीट। ये वाली दूरी नहीं, औकात वाली सर, दूरी। अपनी लड़की की शादी तुमसे क्यों करवाऊंगा, कोई वजह बता सकते हो? आफ्टर ऑल मर्द जो हूँ सर। कोई सबूत? बीज बोने से पहले फल कैसे गिन सकता हूँ? मर्दानगी चेक करने का कोई और तरीका? सिर्फ एक मौका दीजिए सर, खुद पता चल जाएगा। हर महीने कितने पैसे कमाते हो? 5 to 6 लाख। रॉन्ग। 100। 100 रोज के? रॉन्ग, पर मंथ। फैट दे रहेगी, इतनी कम सैलरी में काम वाली भी एडजस्ट नहीं करेगी। एक मिनट, मैं एडजस्ट करूंगी साहब। चुप कर, काम से निकाल दूंगी, मैं एडजस्ट कर रही हूँ ना। शट अप। सर बात ऐसी है कि शट अप। बुरा ना मानो तो तुम्हारी कास्ट पूछ सकता हूँ? कास्ट से भी प्रॉब्लम है सर? जितनी कैश इम्पोर्टेंट है उतनी कास्ट भी इम्पोर्टेंट है, हमारे बीच कोई बराबरी नहीं। गेट आउट। मिस्टर डब्बू राव, पैसा पैसा और फिर पैसा, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता मिस्टर डब्बू राव, जैसे कि लव, पीस और हैप्पीनेस।
कूल भेंडे कूल, अपन यहाँ रिश्ता जोड़ने आया है। ऐसा चिल्लाएगा तो दो मिनट में रिश्ता टूट जाएगा। लड़की का दिल तो अपन जीत ही चुका है, बस बुढ़ाओ को पटाना बाकी है। देखते जाओ, बस दो चार मीठी बातें करके पटा लेगा अपन। हेलो, बाहर का रास्ता वहाँ नहीं, उस तरफ है। अरे ससुर जी, सॉरी मिस्टर सुब्बाराव। देखिए आपन इधर से जाएगा जरूर, पर आपका लड़के से शादी करने के बाद हाँ। चाहो तो मेरी नौकरानी को ब्याह कर ले जा सकते हो। मैं तैयार हूँ साहब। चुप कर, जान ले लूंगी तेरी। जा अंदर जाके कपड़े धो। वो नहीं जाएगी, तुम अंदर जाओगी। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। स्वामी बेटी बेटी सुनो, रुको तो। ये रहे पूरे 5 लाख। अपन दहेज नहीं लेता सर। दहेज नहीं, मेरी बेटी को भुलाने की कीमत है। कितना भी पैसा आप उनके प्यार को खरीद नहीं सकता सर। तुम्हारा आखिरी फैसला है तो क्या मजाक कर रहा है? अच्छा तो ये वाला बैग ले लो। पैसा डबल करो या ट्रिपल करो, अपन झुकने वाला नहीं है। किसने कहा डबल करूंगा? देखो ये खाली ब्रीफ केस है। सुनो, तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ। डेडलाइन से पहले अगर इसमें 5 लाख भर पाए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, नहीं लाए तो। छह महीने बाद 5 लाख 1 रुपया इसी ब्रीफकेस में डाल के आपके मुंह पे मारेगा। मिस्टर सुब्बाराव, आदमी चाहे कितना भी रईस क्यों ना हो, पैसे के जोर पर वो अपनों का प्यार नहीं खरीद सकता। अपन लौटेगा जरूर, फिर अपन घर के अंदर और तुम घर के बाहर, याद रखना। रत्तू भिंडे, रत्तू भिंडे, कितने साल बाद मिली तू, आज भी अजंता की मूरत जैसी लगती है। सेम टू सेम। तुम भी कहां बदले हो, बिल्कुल कौली भिंडी की तरह लंबे हो, जरा भी हाइट लॉस नहीं किया, एकदम फेयर एंड हैंडसम। याद है इन द ईयर 19। प्लीज चुप हो जाओ। क्यों, तुम्हें सब याद आ जाएगा? मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तू इधर रहती मेरे को पता नहीं था। पता है मैं इधर क्यों आया? उन दो लफंगों को सीधा करने के वास्ते। भिंडे, वो मेरी औलाद है। वो दोनों तेरे बच्चे? मेरे बच्चों से लड़ाई किसने की? वो मेरे बच्चे। तुम बाप बन गए? हाँ। रत्तू, अपने बेटों को कंट्रोल में रखो, अब उनका गुस्सा कितना खतरनाक है तू जानती है। जानती हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल आप पर गए हैं, उनको काबू करना मुश्किल है। फुटो यहाँ से। दिस इज एन ओल्ड लव स्टोरी। बाहर से दिखावटी गुस्सा और दिल के अंदर प्यार की दहकती चिंगारियां, इसे डीकोड करके डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। मजे करने बैंकॉक गया और सैंडविच मसाज की बजाय अपनी उंगली फ्रैक्चर करवा लाया। सोच ये उंगली कितने काम आती है। अभी मजाक मत करो, मेरा बेटा अभी बहुत टेंशन में है, उसका मूड ऑफ है। प्लीज उनका कुछ करो भाई। चल चल चल, अभी फोटो दिखा। मार डाल इसको। ये फोटो कहां खींचे? बैंकॉक। सिद्धा भाई जल्दी आओ। दौलत भाई, कुछ पता चला क्या? अरे भाई, वो लड़की मिल गई। सच में? यही तो है वो। हे, कहाँ मिली? बैंकॉक में। बैंकॉक कैसे पहुंची? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। डील फिनिश हो गई, पेमेंट कर दो। उसका पता चल गया भैया। वो कहाँ है? बैंकॉक पहुंच चुकी है। उसे अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। ससुर जी को बता देना। चक्कर क्यों काट रहे हो? जैसे ये पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, अपन लोग भी वैसे एक दूसरे के चक्कर काटते हुए मिल गए। जब मिलने का टाइम था तब तो तुम मिले नहीं, अब जिंदगी के ऐसे वक्त पे मिले हो कि कुछ नहीं कर सकते। कौन कहता है अपन नहीं आया था? रत्तू, अपन ने वादा किया था तो अपन को तो आना ही था। तेरे को बताया अपन ने पैसा जुटाने के लिए क्या क्या किया? दिन रात कड़ी मेहनत करके 6 महीने में नहीं बल्कि सिर्फ 5 महीने में 5 लाख 1 रुपए लेकर तुम्हारे घर पहुंचा। रस्ते भर तुझे शादी के जोड़े में देखने का सपना देखता रहा अपन। घर पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। लाख कोशिशों के बाद भी तेरा पता नहीं लगा पाया रत्तू, पागल जैसा हो गया अपन।
अभी मिली, वो भी अपने बेटों के साथ। वो मेरे बेटे नहीं है, बाजू वाले अंकल सोमनाथ के बेटे हैं। पापा को स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ और वो अटैक से मर गए। मैं अकेली रह गई। सोमनाथ अंकल को बिजनेस में लॉस हुआ और वो डबल अटैक में मर गए, इसलिए मैंने उनके बच्चों को गोद ले लिया और शादी नहीं की। अभी जिंदगी का क्या कहूं, उषा के साथ शुरू हुई, निशा के साथ खत्म हो गई। उषा निशा, एक से मन नहीं भरा क्या? छे, उषा का मतलब सवेरा, निशा का रात, अपुन हमेशा अकेला था। तो फिर वो बच्चे? तेरे को आज एक राज की बात बताता हूँ जो वो बच्चे भी नहीं जानते। वो बच्चे अनाथ हैं। अरे वाह वाह वाह, व्हाट अ लव स्टोरी। हनी, लव में एक्सपायरी डेट नहीं होता है। हे भगवान। बाय द वे, आई एम हनी। भेंडे, सुनो हनी, हमारे बच्चों को अभी अपना फ्यूचर बनाना है, उन्हें ये राज नहीं पता चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, सही बोल रही है। ओके ओके, ये सीक्रेट मेरे साथ सेफ रहेगा। लेकिन इस अनफिनिश्ड लव स्टोरी को कंटिन्यू रखना होगा और आप दोनों को मैरिज करके अपनी सेकंड इनिंग शुरू करनी होगी। ओके, बिना माँ के बच्चे, समाज उन्हें चीप समझता है। अगर आज हमारी माँ होती, हमारी फीलिंग समझती, उन लोगों को सबक सिखाती। आज अगर मेरे पापा होते तो मुझे गले लगाकर मेरी तारीफ करते। क्या बकवास है, मम्मी की शादी हो रही है। उन्होंने अब तक तुम्हारा ख्याल रखा ना, अब उन्हें भी कोई सहारा चाहिए। जो खुद डंडे के सहारे चले, ऐसा बूढ़ा बाप क्या ख्याल रखेगा। गोपाल, यू शिट। बाप वो होता है जो दिन रात बस अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचता है, उनकी प्रॉब्लम्स उनसे दूर रखता है। अ ग्रेट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट इज डैड। मैं ओके हूँ, कन्विंस्ड। लेकिन पनवती दुनिया का क्या? अरे बाहर में गई दुनिया। क्या तुम्हें याद नहीं जब मॉम मेहनत का पसीना बहाकर रोटी लाती थी, चुपचाप अपने आंसू बहाती थी, तब इस जालिम दुनिया ने एक रुमाल तक नहीं दिया। तुम्हें अगर बाप नहीं चाहिए तो ठीक है, उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो जिन्हें माँ का प्यार मिल सकता है। बच्चे कहाँ से आ गए? नन्हे मुन्ने हैं, मतलब पिल्लू के साइज के हैं। उनमें से तो एक बेचारा गूंगा है। ओह माय गॉड, दुनिया क्या कहेगी, आई डोंट केयर। अपनी माँ की शादी करवाऊंगा और अपने फादर को वेलकम करूंगा।